माने रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये है कि कंटिन्यूटी चल रही है। तीसरा दिन है आज हमारा, और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है हैबिट्स। हमने किस तरह से लेके चलना था, हमने कोर टॉपिक लिया, फेथ वगैरह को लिया, हमने पॉजिटिव थिंकिंग को लिया, हमने डिक्शनरी ऑफ विनर को लिया, डिक्शनरी ऑफ लूजर को लिया, हमने हेल्थ टिप्स दी आप लोगों को, हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ दी। आज एक छोटी सी चीज़ है हैबिट्स, सही, थोड़ा सा समझिएगा ये हैबिट्स होती क्या, उसके बाद फिर मैं मिसालें दूंगा तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छी चीज़ें इसमें से निकाल पाएंगे। इंसान जो होता है ना वो पूरा दिन जो काम करता है वो हैबिट्स होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो हर थोड़ी देर के बाद एक कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा होता है, क्योंकि उसकी हैबिट्स अभी पुख्ता नहीं हुई। बड़ा आदमी जो होता है जब वो कोई भी काम करता है तो जो उसे बचपन से जानते हैं वो कहते हैं बचपन में भी यही काम किया करता था। तो इंसान पूरा दिन जो कुछ कर रहा है वो हैबिट्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आम तौर पे झूठ बोलने की आदत होती है। बैठे हुए होंगे, कोई पूछेगा कहां बैठे हुए हैं तो वो गलत बयान नहीं कर देंगे। जब फोन बंद होगा उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों किया, कहते मैं तो मजाक कर रहा था। जब आप उनको किसी बड़ी जगह पर देखेंगे तब भी वो झूठ बोल रहे होंगे। वो छोटी आदत बड़ी जगह पर भी वैसी है, और जिन लोगों की छोटी जगहों पर भी झूठ बोलने की आदत नहीं है वो बड़ी जगहों पर भी स्टैंड ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलते। जानवरों का, पौधों का ख्याल रखने वाले लोग, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, एक दौर आज से 6 महीना साल पहले या रमजान की बात है कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो पूरे मोहल्ले वाले हमसे बोरिंग वाला पानी दे रहे थे। एक बड़ी उम्र की खातून थी तो कुछ दूर से आ रही थी हमारे पास, उन्होंने कहा कि पानी चाहिए, मैंने कहा लगा लें। लगाने लगी तो एक पौधे को उनकी पाइप हल्की सी लगी और मैं खामोश था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा आंटी ये कोई बहुत महंगा पौधा नहीं है, गालिबन सब्जियों में से किसी सब्जी का। कहते नहीं पौधे को तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा यार जो खातून पौधे का इतना ख्याल रखती है तो इंसान का कितना ख्याल रखती है। आदत इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत से लोगों की आदत होती है अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत। मोबाइल कोई बहुत अच्छा लिया हुआ होगा तो शो ऑफ करने के लिए सामने रखा जाएगा, सही होगी ना। ड्रेसिंग अच्छी की होगी तो बाकायदा प्राइस बताएंगे उसकी। किसी ऐसी जगह से आ रहे होंगे जहां खाना बहुत महंगा मिलता होगा तो लोगों को बता रहे होंगे कि हम वहां से खाना खाकर आ रहे हैं। अब ये चीज इस लेवल तक चली जाती है कि बाकायदा वो पेशेंट बन जाते हैं, पोलर और बाइपोलर पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर वो निभा नहीं सकते इस बात को, लेकिन वो उनकी आदत उनका जान नहीं छोड़ रही होती। चीजें संभालने की आदत, आप सुबह उठते हैं अगर आप अपना बेड नहीं समेटते तो इसी तरह बड़े लेवल पर भी जब आप जाएंगे कोई इदारा चला रहे होंगे तो उसकी भी मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं। छोटी हैबिट बड़ी हैबिट की तरफ जा रही है। काम ना करने की आदत, अगर किसी को शुरू की जिंदगी में आदत ना डलवा दी हो, जैसे आपको पता होगा बच्चों को जब पढ़ने की आदत डलवाई जाती है तो शुरू में कहानियां दी जाती हैं ताकि उन्हें बैठने की आदत हो जाए। मैंने भी ऐसे ही बैठना शुरू किया था और एक वक्त आया अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 घंटे काम किया करता था। कहानियां, किताबें, रिसर्च वर्क, थीसिस, इस तरह से फिर आगे चलती चली जाती है चीज। मैं अपनी जाती मिसाल देना चाह रहा हूं जहां तक मैं लेकर आना चाहता था आपको। मैं एक दफा चिड़ियों के लिए, मैंने बर्तन रखे हुए हैं उन्हें साफ कर रहा था, मुझे बहुत इमरजेंसी कहीं जाना था लेक्चर्स के लिए। आधे में मैंने देखा कि टाइम ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, मैं उठ के जाने लगा। मैं 3 कदम आगे गया था, मैंने कहा सगीर तुम एक बर्तन को तो प्रॉपर साफ कर नहीं रहे, तुम इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे साफ करोगे। मैं वापस आया और मैंने उस बर्तन को साफ किया। वो दिन है, आज का दिन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन हर 2-3 दिन के बाद साफ होता रहता है और अल्लाह का एहसान है। उस दिन से लेके आज तक जितने मेरे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं उन्हें भी हर दूसरे दिन साफ करता रहता हूं। वो एक बर्तन साफ करने की हैबिट मेरी वहां तक गई। उसी में 1-2 दिन पहले की बात है, एक बड़ा सा टब था जो जानवरों को चारे के लिए मैं दे रहा था, जब कुर्बानी हो गई तो वो बर्तन गंदा था, पहले सोचा इसे बाहर फेंक देता हूं,
फिर मैंने कहा सगीर तुम्हारी आदत ऐसी बन रही है जो चीज थोड़ी ज्यादा गंदी हो उसे तुम बाहर फेंक दोगे। हमारे पास तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत गंदे होंगे शायद गालिबन, तो उन्हें तुम क्या उठा के बाहर फेंक दोगे। मैंने कहा नहीं, मैंने उस पर ज्यादा वक्त लगाया, उसे साफ किया। आज अल्लाह का एहसान है कि कभी किसी को ना नहीं करता। सही होगी बात। तो क्या होता है, ये छोटी सी चीज बड़ी चीज की तरफ जाती है। बहुत से लोगों की आदत होती है मजाक में गाली दे देते हैं, किसी भरी महफिल में भी दे देते हैं वो लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रब को राजी करने के लिए छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, सुन्नत की अदायगी कर रहे होते हैं, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। आप देखें जब वो बूढ़े हो जाते, मेरे अपने वाले साहब की मिसाल है, 90+ में भी तहज्जुद पढ़ा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने चाचा जी की मिसाल है कि डेथ से एक दिन पहले भी तहज्जुद पढ़ा था। बहुत से आपके भी जानने वाले ऐसे होंगे, क्योंकि उनको छोटे थे तो उनकी ये आदत पुख्ता हो गई थी। कसरत से बेवजह बोलने की आदत, अगर छोटी उम्र में आपने उनको ये चीज ना सिखाई भी हो तो बड़ी महफिल में जहां सिर्फ लन करना होता है, कसरत सवाल से मेरे नबी ने मना फरमाया, वहां भी वो कसरत कर जाती है। तो आज के लेक्चर को मैं समेट के एक पॉइंट में लेकर आता हूं कि सबसे पहले अगर आपने अपने आप को बदली करना है, छोटी छोटी आदतें अपनी बदली करना शुरू करें, अपने बिस्तर को समेटा करें, नमाज में कम से कम फराइज की अदागी करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले देख लें क्या रब राजी होगा रब नाराज होगा, झूठ छोटी चीजों में भी खत्म करते हैं, चाहे वो मजाक के तहत ही किया करते थे। इससे क्या होगा, आपका करैक्टर बनना शुरू होगा। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है अगर आप इसको अपनाएंगे तो छोटी आदतें बड़ा करैक्टर बनाएंगी। थैंक यू वेरी मच।